हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसे हम घर के ही सामानों से बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मूंगफली के दाने। अब इसे हम भून लेंगे। तो उसके लिए हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे लगातार चलाना जरूरी है, वरना ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे मूंगफली के दाने अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। ठंडा होने पे हम इसके छिलके को साफ कर लेंगे और उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो यहाँ मैंने इसे बारीक पीस कर ले लिया है। मूंगफली में तेल होने के कारण ये आपस में चिपक गया है, लेकिन इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कटोरी चीनी और उतना ही मैंने यहाँ पे दूध लिया है। आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 धागे केसर के लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए पका लेंगे। हमें यहाँ पे तार की चाशनी नहीं बनानी है। जब तक हमारी चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, उस टाइम पे हम यहाँ पे पिसे हुए मूंगफली को डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मूंगफली और चाशनी आपस में अच्छी तरह से मिल गए हैं। हल्का गाढ़ा होने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट तक इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे ये जले ना। उसके बाद इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे एकदम ठंडा नहीं करेंगे। जब ये हल्का गर्म रहेगा उसी टाइम पर हम अपने हाथों में हल्का सा तेल लगाते हुए इसे अपने पसंद अनुसार शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे गोल पेड़े की तरह बना रही हूँ। तो इसी तरह मैं सभी को बनाकर ले लूँगी और इसके ऊपर हल्का सा कटे हुए ड्राई फ्रूट को लगाकर इसको डेकोरेट कर दूंगी। और मैं इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी। 20 मिनट बाद इसे हम निकाल कर चेक करेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। बहुत ही कम सामान और समय में टेस्टी पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।